हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी मंत्रा आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग करंट अफेयर्स इसमें जितने भी लास्ट सिक्स मंथ के इंपॉर्टेंट बैंकिंग क्वेश्चन हैं मैंने सारे कवर किए हैं लेकिन ये पार्ट वन होगा क्योंकि अगर मैं सब कवर कर लेती तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है तो पार्ट वन है तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका विच बैंक लॉन्च न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस स ये एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया है ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने फाइनेंस मिनिस्ट्री हाउ मच पर्सन रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कितना प्रोडिक्शन किया है इंडिया की जी डी पी ग्रोथ का तो वो किया है सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट सुबह हो गई मामू कैंपेन फॉर प्लेटिनम हेल्थ प्लानी कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू कैंपेन लॉन्च किया ये हेल्थ प्लान है तो ये कौन सी कंपनी है इंश्योरेंस की एक विच बैंक इनोवेटिव अप्रोच टू प्रिवेंट लोन डिफॉल्ट्राइजिंग पोटेंशियल डिफॉल्टर्स विद चॉकलेट ड्यूरिंग अनस्ड होम विजिट तो ये किसने किया ये किया एस ने एस ने क्या किया है कि जब वो लोग को समझ में आ जाता है कि लोन डिफॉल्ट होने वाला है तो वो अनुसड मतलब बिना बताए डिफॉल्टर डिफॉल्टर के घर जाते हैं चॉकलेट लेके जिससे वो पोटेंशियल जो है उन्हें रोका जाए और पेमेंट करवाई जाए बी आई इन न्यूज एस बी आई रिसेंटली क्यों न्यूज में रहा एस बी आई से रिलेटेड क्या क्या, क्या? न्यूज थी वो देखते है एसबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था एक डिजिटल चैनल किसके लिए नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए जो अकाउंट ओपन कर सके योनो एस बी आई मोबाइल जो एन आर आई है उन्हें अकाउंट ओपन करना है, तो की ही नहीं है वो योनो एस मोबाइल ऐप से ओपन कर सकते हैं एस बी आई कार्ड है क्या लॉन्च किया है सिम्पली सेव मर्चेंट एस बी आई कार्ड ये क्या होगा शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो एमएसएमईज की शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो इसके थ्रू फुलफिल कर देंगे एसबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड एन इनोवेटिव कस्टमर सर्विस पॉइंट एसबीआई ने क्या इंट्रोड्यूस किया कस्टमर सर्विस पॉइंट इंट्रोड्यूस किया जिससे जो भी स्कीम्स होती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे आधा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अटल पेंशन योजना ये सबको वो एनरोल कर कर सकेंगे आधार बेस्ड एनरोल होगा यानी आधार कार्ड के थ्रू वो एनरोल करेंगे तो ये कहाँ पे एस बी आई के कस्टमर सर्विस पे HBI, ये तो पता है और इसका फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से जून जो क्वार्टर है फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल से जून होता है तो उसमें हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है अभी तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट कम आया कितना सिक्सटीन थाउजेंड एट एटी फोर करोड़ रुपीज और ये किस वजह से हुआ क्योंकि बैड लोन्स में डिक्लाइन हुआ बैड लोन्स कम हो गए यानी एनपीएस कम हुए हैं और जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है उन्हें वो बढ़ गई है एसबीआई ने लॉन्च किया है थर्टी फोर ट्रांजेक्शन बैंकिंग हब नेशन वाइड एस ने थर्टी फोर ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन बैंकिंग हब्स बनाया है ट्वेंटी वन डिस्ट्रिक्ट में अब ये हब्स क्या करेंगे इफिशियंट एंड क्विक ट्रांजेक्शन बैंकिंग सोलूशन देंगे कस्टमर को यानी कस्टमर को इफिशियंट और क्विक ट्रांजेक्शन मिलेगा जिस वजह से जो भी कस्टमर की नीड्स हैं जो भी सॉल्यूशन होंगे ट्रांजैक्शन के पेमेंट के कलेक्शन रिक्वायरमेंट सब के सब एक ही रूफ के अंदर मिल जाएगी आपको तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक ही जगह पर सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देंगे तो ये कस्टमर के सेटिस्फैक्शन uh, के, के लिए ये चीजें की गई है एस के सी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अभी अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है कामेश्वर राव कोड़ावंती

करने वाली कंपनी है उन्होंने यस yes बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है ब्रिस्क पे ए टू ए लॉन्च करके जिससे एम एस एम ई जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करते हैं बाहर पेमेंट करते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो सीमलेसली यानी बिना रुकावट के वो पेमेंट कर सके अभी पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट कमाया है कैसे कमाया है चार्जेस के थ्रू जैसे आप एटीएम के चार्जेस लगते हैं बैलेंस uh, आप मेंटेन नहीं करते हो मिनिमम बैलेंस उसके चार्जेस रखते हैं तो उससे उन्होंने बैंक तो उस, ने प्रॉफिट कितना कमाया है इस साल का थर्टी फोर थाउजेंड सेवन सेवेंटी फोर करोड़ पहले क्वार्टर में ठीक है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के फर्स्ट क्वार्टर में यानी मई जून अप्रैल मई और जून तीन महीने में थर्टी फोर कमाया जो कि प्रीवियस ईयर से डबल है इन इन में आरबीआई इन न्यूज आरबीआई से रिलेटेड न्यूज देखते हैं आर ने एक रूल निकाला है आरबीआई डायरेक्शन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अब इसमें क्या है जो कमर्शियल बैंक है वो उनका क्लासिफिकेशन किया है उनकी वैल्यूएशन की है और उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो कैसा ऑपरेट कर है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सके डिजिटल पेमेंट जो है फाइनेंशियल थ्री में थर्टीन सॉरी 13.24% ग्रो हुई है बैंक नोट विद स्टार सिंबल ये क्या दिखा रहा है ये स्टार सीरीज है बैंक नोट की स्टार सीरीज है तो इसमें जो भी डिफेक्टिव नोट्स थे उन्हें रिप्लेस करने के लिए बैंक ने आरबीआई ने स्टार की सीरीज निकाल दी थी कि बीच में जो नंबर लिखे रहते हैं उसमें बीच में स्टार का साइन मिल रहा था इंडिया नीड्स एनुअल 7.6% जीडीपी ग्रोथ टू बिकम डेवलप्ड बाय 20 40 47 अगर 2047 तक इंडिया को डेवलप होना है तो उनको एनुअली 7.6% परसेंट जीडीपी ग्रोथ करना पड़ेगा तब जाके 2047 तक 2047 तक इंडिया डेवलप हो पाएगी आरबीआई हैज अनाउंस्ड द एडिशन ऑफ नोंगयू बैंक नोंगयू बैंक को सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में शामिल कर दिया गया है और इन्हें बैंकिंग एक्टिविटीज करने के लिए बोल दिया गया है अब ये नॉन्ग बैंक कहाँ की है ये है सियोल साउथ कोरिया की सोल साउथ कोरिया की बैंक है ये 2016 में ऑपरेशन स्टार्ट किया था इन्होंने ऑपरेट करना स्टार्ट किया था इंडिया में आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम आरबीआई ने सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है ये क्या देखेगा डेटा हैंडलिंग एनालाइज करेगा और गवर्नेंस बैंकिंग बैंक से रिलेटेड जितना भी डेटा है उन्हें एनालाइज करना कैसे गवर्न uh, कर रहे हैं मतलब कैसे ऑपरेट हो रही है बैंक्स वो सब वो इस uh, चीज के अंदर इस इनिशिएटिव के अंदर देखेगा विच बैंक इंट्रोड्यूसेस माई फैमिली माई बैंक सेविंग अकाउंट माई फैमिली माई बैंक सेविंग अकाउंट किसने स्टार्ट किया है ये स्टार्ट किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक ऑफ बड़ौदा ने चार अकाउंट्स ओपन किए थे चालू किए थे सेविंग अकाउंट तो वो थी बीओबी लाइट जो जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है बीओबी बी ब्रो जिसमें जीरो बैलेंस रखेंगे जो 16 से 25 फाइव तक के बच्चों के लिए होगा स्टूडेंट्स के लिए होगा माई फैमिली माई बैंक ये फैमिली अकाउंट होगा और बड़ौदा एन अकाउंट ये चार अकाउंट अभी हाल ही में स्टार्ट किए थे एक्सिस बैंक ने एक अकाउंट स्टार्ट किया था इंफिनिटी सेविंग अकाउंट ये किसके लिए था ये ये उस लिए था जिससे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन फीस आपको नहीं लगेगी और मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होगी अभी RBA ने लेके आया है uh, lending के लिए लिए जो जो भी भी करते करते हैं हैं जैसे आप अगर लेते हो तो तो और देते उसके लेके लेके है वो क्या क्या क्या, क्या चीजें आई उसमें जैसे अगर आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं बैंक के पास तो उन्हें अगर आपने उसका पूरा पेमेंट कर दिया गया है लोन पूरा रिपे कर दिया तो उनको बैंक को थर्टी डेज के अंदर ये जो पेपर होंगे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो रिटर्न करने पड़ेंगे अगर डिले होता है उस केस में तो बैंक आपको फाइव थाउजेंड ईच डे का देगा हर दिन आपको पांच हजार रुपए मतलब बैंक आपको पांच हजार रुपए देगा और अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें वो प्रॉपर्टी के पेपर जो है वो खराब हो गए हैं या गुम गए हैं तो उस केस में क्या होगा थर्टी डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे बैंक से एनबीएफसी को वो ढूंढने के लिए और जो डीले थर्टी डे होंगे उन्हें 60 डेज के बाद से फिर कैलकुलेट किया जाएगा फिर आपको 5000 मिलना स्टार्ट होंगे यानी तब 60 डेज का टाइम गैप मिलेगा और ये कब से लागू होगा ये 1 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं वो बने हैं संदीप बख्शी कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रखना जैसे कि आरबीआई और एनपीसीआई ने दोनों ने मिलकर क्रेडिट लाइंस ऑन यूपीआई दिया है यानी कि यूपीआई पे क्रेडिट लिमिट पहले ही तय कर दी जाएगी तो वो चार टाइप से और जैसे आप, आपके जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो देख के उस बेसिस पे आपको कितना लोन मिल सकता है कितना नहीं मिल सकता वो पहले ही डिफाइन कर लेगी बैंक यूपीआई लेट एक्स इससे क्या होगा कि ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो आप यूपीआई टैप एंड पे क्यू कोड के थ्रू आप सब और एन एफ टेक्नोलॉजी निया फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कोई भी चीज़ क्यू आर कोड को स्कैन कर लोगे और पे कर सकते हो टैप करके कन्वर्सेशनल पेमेंट जैसे कि सिर्फ ये वॉइस एनेबल्ड पेमेंट होगी उसके थ्रू कर सकते हो भारत बिल पेमेंट ने बिल पे कनेक्ट लॉन्च किया था इंट्रोड्यूस किया था इसमें क्या होता है कि सब आपको मैसेज करना रहता है हाई करके मैसेज करो आपकी सारी बिल की पेमेंट्स जो भी होती है ना वो उसके थ्रू हो जाती है RBI limit होती थी 200 RBI की. करोगे तो लेकिन अब उससे बढ़ा के कितनी कर दी है वो कर दिए पांच सौ रुपए लेकिन आप याद रखना की जो मैक्मम आप एक दिन में मैगजिम कितना पे कर सकते हो ऑफलाइन में टू थाउजेंड जो अपल लिमिट है अभी भी वो टू थाउजेंड ही रखी गई है अगर आपको uh, पांच रुपए एक टाइम का है तो आपको चार ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी तब जाके आप दो रुपए दिन में दे पाओगे बैंक से न्यूज देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक को परमिशन मिल गई है आरबीआई से आई प्रोसेस सर्विसेज लिमिटेड को अक्वायर करने की अब ये उसकी होली ओन सब्सिडरी बन चुकी है आई प्रोसेस सर्विसेज आईसीआईसीआई बैंक की होली ओन सब्सिडी बन गई है बंधन बैंक गेन आरबीआई

और एक मैच का जो जो इंडिया में जितने भी मैचेस होंगे तो उसके लिए स्पॉन्सर कौन करेगा आईडीएफसी सी फोर्ट बैंक करेगा एक मैच के लिए 4.2 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेंगे कैनरा बैंक टेकन अ अरिंग स्टेप बाय लॉन्चिंग यूपीआई इंटर ऑपरेबल कैनरा डिजिटल रूपी ऐप कैनरा बैंक ने क्या किया है कैनरा डिजिटल रूपी ऐप लॉन्च किया है ये क्या होगा यूपीआई इंटरऑपरेबल यानी यूपीआई जो भी पेमेंट करना है वो इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं और ये पहली बैंक बनी है जिसने ऐसा किया है कैनरा बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है सेविंग अकाउंट कैनरा uh, जीवन धारा अकाउंट जो कि पेंशनर्स या फिर जो रिटायर होने वाले हैं उनके लिए है उसमें दो अकाउंट है डायमंड अकाउंट है और प्लेटिनम अकाउंट है जिसकी पेंशन पचास हजार तक की होगी वो डायमंड अकाउंट ओपन करेंगे और जिसकी पचास हजार से ज्यादा होगी वो प्लेटिनम अकाउंट ओपन करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड ऑफ फ्रंटियर मार्केट के साथ कोलैबोरेशन किया है और क्या इनिशिएटिव स्टार्ट किया है शी लीड्स भारत उद्यम ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इसमें क्या होगा जो एक लाख वुमेन ओन स्मॉल बिजनेसेस है जो छोटे बिजनेसेस है जो वुमेन चला रही है उन्हें सीखने की और अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी सशिधर जगदीशन सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक है इनके हाईएस्ट पेड बैंक सीईओ 20 फाइनेंशियल uh, ईयर 23 के हैं फाइनेंशियल ईयर 23 के हाईएस्ट पेड सीईओ कौन बने हैं सशिधर जगदीशन इनकी एनुअल पे कितना है 10.55 करोड़ पे है उनका एचडीएफसी ने एसबीआई को सरपास करके क्रिसिल कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में फर्स्ट टॉप आई है कौन आई है एच डी एफ सी बैंक इसमें सेकेंड पे है एस बी आई थर्ड में है एक्स एंड फोर्थ पे है आईसीआईसीचडीएफ सी बैंक ने रिकॉर्ड तोड़ा है ये बिलियन मार्केट मार्केट कैप कैप है आज के टाइम मार्केट में बैंक की कितनी वैल्यू है तो उन्होंने हंड्रेड बिलियन से ज्यादा क्रॉस किया है और वर्ल्ड की सेवेंथ लार्जेस्ट लेंडर बनी है तो इसमें कौन कौन और शामिल है जेपी मॉर्गन बैंक ऑफ अमेरिका चाइना आईसीबीसी एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना वेल्स फार्गू एच एस बी सी ये सात बैंक है जो की शामिल है इसमें जिन जो सबकी सब वन फिफ्टी वन बिलियन डॉलर से ज्यादा का इनका मार्केट कैप है पिरामल फाइनेंस ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इन्होंने पूरा वुमेन ब्रांच ओपन किया है फर्स्ट वुमेन ब्रांच ओपन किया है इसका नाम दिया है मैत्री ये क्या करेंगी जो भी वुमेन फीमेल कस्टमर्स की नीड है उन्हें देखेगी ये कहाँ पे ओपन हुआ है कोची में ओपन हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ग्लोबल एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर किया है 50-50% में और इंडिया का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें वेंचर किया है क्या नाम से जियो ब्लैक रॉक जिसमें दोनों 150 मिलियन डॉलर ईच डालेंगे यानी टोटल 300 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे कैनरा बैंक टॉप्स पब्लिक सेक्टर बैंक लेंडिंग

स के साथ में पार्टनरशिप किया है पंजाब नेशनल बैंक ने पहला वर्चुअल ब्रांच ओपन किया है उसका नाम रखा है पी मेटावर्स ये एक यूनिक बैंकिंग एक्सपीरियंस होगा इसमें आप बैंक डिपोजिट लोन डिजिटल प्रोडक्ट ये सब चीजें इसमें आप देख सकोगे विच बैंक अनवील्स नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड फॉर डिजिटल फेयर पेमेंट ये किसने किया ये किया एस बी ने ये क्या है कार्ड ये की कार्ड वो है जैसे आपको कहीं भी डिजिटल टिकटिंग फेयर पे करना है कहीं भी अगर जो फेयर है वो डिजिटली पे करना है कोई भी चीज हो जाए मेट्रो हो बसेस हो फेरीज हो पार्किंग हो तो आप सिर्फ ये एक कार्ड से सब जगह पे आप पे कर सकते हो तो ये फीचर लेके आया है SBI ने इंडियास फर्स्ट यूपीआई एटीएम लॉन्च्ड बाय व्हिच कंपनी इन कोलैबोरेशन विद NPCI इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम है जो कौन सी कंपनी ने NPCI के साथ मिलकर लगाया तो वो है हिटैची पेमेंट सर्विसेज़ ने। इसमें पर ट्रांजैक्शन आप 10,000 निकाल सकते ये हो ये कार्डलेस विड्रॉल होगा। ये सिर्फ UPI के थ्रू आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हो कार्ड की कोई जरूरत नहीं होगी इसमें। According to RBI, bank credit outstanding to real estate reaches how much in July 2023? RBI के अनुसार जो बैंक क्रेडिट रियल स्टेट को दिए गए गए हैं हैं तो तो जो जुलाई 2023 में कहा कितने हो हैं? तो वो अवेलेबिलिटी फॉर जीएसटीज ये पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक बना है तो वो कौन है वो है पीएनबी। पीएनबी ऐसा पहला पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक बना है जिसने जीएसटी इन्वॉइस के थ्रू आप एम एस एम जो है वो क्रेडिट ले सकती है यानी इसमें जो पी एन बी जीएसटी सहाय ऐप है उसे इंस्टॉल करके आप डिजिटली uh, जो लोन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको अपना जीएसटी इनवॉइस दिखाना पड़ेगा उनको तो वो बता सकते हैं कि कितना लोन मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा तो यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं होगी सारा का सारा काम जो होगा वो डिजिटल होगा कुछ मर्जर्स हुए हैं तो वो देख लेते हैं अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज हो गया है ट्विन सिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के साथ मर्ज हो गया है और एक बैंक था महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ये धारवाड़ कर्नाटका का था तो इसकी बैंकिंग जो लाइसेंस था उसे तो कैंसिल कर दिया है लेकिन उसे एनबीएफसी का लाइसेंस दे दिया गया है और वो एज अ एनबीएफसी ऑपरेट करेगी आईडीएफ सी बैंक आईडीएफसी के साथ मर्ज हो गया है टल क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद मैरिड इंटरनेशनल इंडिया का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड है जो किसके साथ पार्टनरशिप uh, करके हुआ है मैरिड इंटरनेशनल के साथ हुआ है तो ये किसने किया है ये किया है एच डी एफ सी बैंक ने उसका नाम रखा है उस कार्ड का है नाम मैरिड कॉन वॉय एच डी एफ सी बैंक क्रेडिट कार्ड याद रखना ये नाम

प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं दो लैंडिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं तो वो कौन से किसान क्रेडिट कार्ड जो एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए दिया जाएगा जो भी एलिजिबल कस्टमर होगा उन्हें कितना क्रेडिट क्रेडिट दिया जाएगा 1.6 लाख रुपीस का मिलेगा और अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स होंगे अनसिक्योर्ड एमएसएमई एस लोन्स होंगे जो बिजनेस ग्रोथ के लिए दिए जाएंगे कितने लोन दिए जाएंगे टेन लैख तक का लोन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा विच बैंक लॉन्चेस उद्गम पोर्टल टू ट्रैक अनकम डिपोजिट

अनकलेम डिपॉजिट गेट वे टू एक्सिस इंफॉर्मेशन ये पोर्टल है और ये अभी स्टार्टिंग में सेवन बैंक को दिया जाएगा जैसे एस बी आई है पी एनबी है साउथ इंडियन बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया धनलक्ष्मी बैंक डीबीएस बैंक एंड सिंक ये ये सात बैंक स्टार्टिंग में प्रोवाइड करेंगे ये प्रो, पोर्टल विथ स्मॉल फाइनेंस बैंक बिकम्स इंडिया फोर्ट बैंक टू प्रोवाइड ट्वेंटी फोर सेवन विडियो बैंकिंग सर्विसेस कौन सा बैंक बना है जो ट्वेंटी फोर सेवन विडियो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो बना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक विच पेमेंट बैंक लॉन्च इंडिया फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड कौन से पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है वो किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने और याद रखना ये इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है इज नाउ फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए है विच बैंक पार्टनर्स विद की वी टू बॉन्स द क्रेडिट ऑन यूपीआई ऑन रूपे क्रेडिट कार्ड जो यूपीआई पे क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे तो वो कौन से बैंक ने पार्टनरशिप किया है वो किया है एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप विच बैंक लॉन्च अमृत महोत्सव स्कीम अमृत महोत्सव स्कीम किसने चालू की है वो की है आई डी बी आई ने आई डी बी आई एक प्राइवेट सेक्टर लेंडर है इसने इंटरेस्ट रेट जो फिक्स डिपॉजिट्स है उसमें चेंजेस किए हैं जो दो करोड़ के अंदर के एफ डीज होती हैं उसके ऊपर चेंजेस किए हैं जैसे इंडिविजुअल के लिए अलग है और जनरल पब्लिक एफ डीज पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो मिलेगा, मिलेगा एक न्यू कैंपेन आया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड तो उसके बारे में देखते हैं डिटेल में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो है मनोज आहूजा उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है आ, एग्रा एग्री इंफ्रा फंड जिसका नाम रखा है भारत उसकी फुल फॉर्म है बैंक्स हेरोल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अब ये जो एक मंथ का टाइम था उसमें टारगेट था 7200 करोड़ को रेस करना था और जो जॉइंट सेक्रेटरी है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के सैमुएल प्रवीण कुमार उन्होंने क्या किया है एग्री इन फंड स्कीम्स जो है उसमें बताया है कि 31850 करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाया गया है और जो लोन अमाउंट तो 24750 करोड़ की है जिसमें टोटल स्कीम में टोटल एक्सपेंडिचर होगा 42000 करोड़ का होगा और ये जो स्कीम है ये 2020 में आई थी मीडियम लॉन्ग टर्म डेट के लिए आई थी और ये 10 साल तक चलेगी 2032 तक चलने वाली है ये इसमें इंटरेस्ट मिलेगा 3 का जो कि लोन लिमिट अगर दो करोड़ तक की है तो उसमें 3 का इंटरेस्ट मिलेगा जो कि सात साल तक का होगा कम से कम मैक्सिमम सेवन इयर्स तक आपको तीन परसेंट का सबेंशन मिलने वाला है अगर आपने दो करोड़ तक का लोन लिया है तो और क्रेडिट गारंटी मिलेगी उसकी गारंटी कौन देगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम ये स्कीम के तहत आपको क्रेडिट की गारंटी मिलेगी और जो एफपीओ है फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये भी क्रेडिट ले सकते हैं रीपेमेंट जो मोरेटोरियम होता है जो रीपेमेंट हमें करना होता है सपोज आपने लोन लिया और अभी आप कुछ टाइम तक नहीं भरना चाहते हो तो वो जो ग्रेस पीरियड आप बोल सकते हो वो 6 महीने से मैक्सिमम 2 इयर्स तक का मिलता है इसमें व्हिच बैंक इंट्रोड्यूसेस आई Ivr वी आर बेस्ड UPI सोल्यूशन यूपीआई वन टू पे ये क्या होता है वो अभी आगे डिस्कस करते हैं ये पहले किसने लॉन्च किया वो देख लो वो किया पी एन बैंक ने लॉन्च इसमें क्या है UPI वन टू थ्री पे में अगर जो यूजर्स हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं है और अगर वो ऐसे एरिया में है जहाँ पे इंटरनेट नहीं है तो वो क्या करेंगे आपको सिर्फ कॉल करना है एक एक आई कॉल होगा यानी कि वॉइस बेस्ड कॉल होगा जैसे जो कंप्यूटराइज कॉल होते हैं वो होगा जिससे आप डिजिटल पे कर सकते हैं जैसे आपने कॉल किया वन टू थ्री जैसे स्टेप वन क्या होगा आप डाइल करोगे ये नंबर डाइल करना है आपको फिर आपको किसे पैसे भेजना है किस चीज के लिए भेजना है वो चूज करना है और सिर्फ ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करना है तो ये चीजों के तहत तहत आप जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हो लेकिन आज के टाइम पे क्या स्मार्टफोन जिसके पास नहीं है वो कैसे करेगा तो उसके लिए पीएनबी ने ये चीजें लेके आए हैं क्योंकि जो डिजिटल पेमेंट विजन है ट्वेंटी फाइव तक हमें क्या करना है डिजिटल पेमेंट विजन को बढ़ाना है ये ये उस वजह से किया गया तो आज का पार्ट वन का सेशन यही एंड होगा जल्दी ही मैं पार्ट टू का सेशन भी लेके आऊंगी तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में चलिए थैंक यू